जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। वनपाल वनरक्षक का एग्जाम, जिनके लिए मैथ बहुत ही जरूरी है, और मैथ के किस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के लिए आने वाले हैं, कैसे क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ सकते हैं, तो उसके बारे में एक एक क्वेश्चन का मैं आप लोगों के समक्ष डेमो दे रहा हूँ, जिससे आप लोग समझ सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे और ऐसे क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है। तो दोस्तों, आज हमारे सामने एक ऐसा क्वेश्चन है जो वनपाल वनरक्षक के लिए और अदर वैकेंसी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि जैसे हमारे को ट्रेन से संबंधित, रेल से संबंधित हमारे पास में क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? एक कार 4 घंटे में 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से या गति से एक निश्चित दूरी तय करती है। यानी कि हमें यहाँ पर क्या देना है? निश्चित दूरी। क्या है? निश्चित दूरी, यानी कि एक दूरी है जिसे हमें पता नहीं है, उसको तय करती है 4 घंटे में 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। यदि कार उसी दूरी को 3 घंटे 20 मिनट में तय करती है, यानी कि जो दूरी हमें निकालनी है उसी दूरी को यदि कार है वो 3 घंटे और 20 मिनट में अगर पूरी कर ले, तो कार की गति क्या होनी चाहिए? यानी कि उस दूरी को 3 घंटे और 20 मिनट के अंदर पूरी करने के लिए कार की स्पीड क्या होनी चाहिए, कार की गति क्या होनी चाहिए? ऑप्शन दिए हुए हमारे को, ऑप्शन नंबर ए 124 किलोमीटर प्रति होवर, बी है 140 किलोमीटर प्रति घंटा, सी में है 144 किलोमीटर प्रति घंटा, और डी में 142 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने ट्रेन से संबंधित या कार से संबंधित जब चाल समय दूरी का क्वेश्चन आता है, तो आपके सामने एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, चाल बराबर दूरी बटा समय। आपको ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए। अब इसी फॉर्मूले को हम तोड़ मरोड़ कर 3 फॉर्मूला हम इसके बना सकते हैं। जैसे चाल बराबर दूरी बटा समय हो गया, जब हमें समय निकालना है तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल, और अगर हमें दूरी निकालना है तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? समय इंटू चाल। अब हमें क्या दिया है? 4 घंटे समय हमारे पास दिया हुआ है और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड हमें दी हुई है। हमें क्या निकालना है? एक निश्चित दूरी, यानी कि दूरी हमें निकालनी है। तो दूरी के लिए क्या होगा? दूरी के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है समय इंटू चाल का, तो समय इंटू चाल के अंदर हम इसको रखेंगे, तो समय हो गया हमारा 4 और चाल होगी 120, तो कितना हो गया? 480 किलोमीटर। 4 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 480 किलोमीटर। यानी कि जो निश्चित दूरी थी वो कितनी हो गई? हमारी निश्चित दूरी हो गई 480 किलोमीटर। अब हमें क्वेश्चन में पूछा है कि यदि कार उसी दूरी को, यानी कि इसी दूरी को 3 घंटे और 20 मिनट में अगर तय करती है, तो उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, उसकी गति क्या होनी चाहिए, उसकी चाल क्या होनी चाहिए? तो चाल के लिए हमारे पास में फॉर्मूला क्या है? चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी हमारे पास में हमें पता है कितनी है? 480 किलोमीटर, और समय हमें पता है 3 घंटे और 20 मिनट। 3 घंटे और 20 मिनट आप सभी को हमेशा ध्यान रखना है, जो भी आपकी फॉर्म है, जो या तो आपको घंटे में रखना है या आपको मिनट में रखना है, तो हम यहाँ पर इसको 3 घंटे 20 मिनट को अगर हम घंटा बनाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3 घंटे और 20 मिनट, 1 घंटे का कितना भाग है? 1/3 भाग है, तो 3 × 3 = 9 और 1 = 10, 10/3। आप लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा, इसको अगर हम बनाएंगे 3 घंटे और 20 मिनट को अगर हम बनाएंगे तो कितना होगा? जो 20 मिनट कितना हो गया? 60 में से 20 मिनट तो कितना हो गया? 1/3, तो 3 घंटे और 1/3 घंटा, तो कितना हो गया? 3 × 3 = 9 और 1/10 = 10/3। ये हमारा हो गया घंटा, अगर हम इसको घंटे में बनाएंगे। तो घंटे में बनाने के लिए क्या करना? घंटा तो हमारे पास में है ही, जो मिनट है उस मिनट को आपको क्या करना है? 20 मिनट है, कितने मिनट में से है? 60 मिनट में से, 60 मिनट का 1 घंटा, तो 20/60 = 1/3, 3 घंटे और 20 मिनट का कितना हो गया? 1/3 घंटा, तो 3 × 3 = 9, 1/10, 10/3, यानी कि ये बिन के फॉर्म के अंदर आ गया हमारा घंटा। तो हम इसको लिख दिए। अब आप लोगों को पता है 480 है वो हमारा ऊपर रहेगा, और जब इसको हम सोल्व करेंगे तो 10 नीचे रहेगा और 3 है वो क्या चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। अब हम इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से 0 डिवाइड हो गया, 8 × 3 = 24 का 4, हासिल के 2 और 4 × 3 = 12, 12 और 2 कितना हो गया? 14, 144 किलोमीटर प्रति ओवर।
ये हमारा इसमें क्या हो जाएगा आंसर। तो इस टाइप के अगर आपके किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आए तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ऐसे आपको सोल्व करना है। अब इसकी जो संक्रियाएं हैं वो आपको शॉर्ट करते हुए जाना है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 144 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको चाल समय दूरी से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आए, आपके नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे वनपाल वनरक्ष के अंदर, ऐसा क्वेश्चन अगर आपके आए तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। जय हिंद जय भारत।